हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक तो लेटेस्ट न्यूज है भारत से दोस्ती के बावजूद इन देशों ने पाकिस्तान को बचा लिया आय या, या कौन है ये देश फिर कह रहे हैं आटा प्राइस इन पाकिस्तान पाक शॉर्टेज देखते हैं तो ये तो कुछ कुछ सुनने में आ ही रहा था कि आटा काफी महंगा हो चुका है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आप तक नहीं किया, तो जल्दी से पहले के आगर आगर को क्लिक कर लो, आपको हमारे हम अपलोड करें अगर आपको पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर चलिए शुरू करते हैं कौन है किया है बर्बादी पाकिस्तान को एक बार फिर बचा लिया गया है कितना मिल गया? पाकिस्तान को जल्द से जल्द पैसे की जरूरत थी देश में खाने के लिए बस कुछ ही निवाले बचे थे देश दिवालिया होने वाला था। लेकिन पाकिस्तान बाढ़ पीड़ितों के नाम पर कई देशों से पैसा लेने में सफल हो गया है उनको एक मिल गया बहाना। इस बार पाकिस्तान की मदद उन देशों ने भी की जो भारत के पक्के दोस्त हैं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने अपनी झोली फैलाई और मानवीय सहायता के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आठ दशमलव पांच अरब डॉलर से अधिक की सहायता लेने हाँ, में सफल हो गया है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे में जाके मांग जहां वो आ गए? पाकिस्तान में पिछले साल आई बाढ़ में ही बात बारे बारे करते रहे मिला तो आठ है ना? शहबाज शरीफ ने अगले तीन साल तक आठ अरब डॉलर से अधिक सहायता की मांग की जिसके बाद उन्होंने दावा किया की अब कई देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं किया यूरोपीय संघ ने उसे नौ दशमलव तीन करोड़ डॉलर देने का वादा किया तो है जर्मनी ने आठ दशमलव आठ करोड़ डॉलर देने का वादा किया चीन ने दस करोड़ डॉलर देने का वादा किया है इस्लामिक विकास बैंक ने चार दशमलव किया है तो वहीं वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दो अरब डॉलर देने का वादा किया दो बिलियन भारत के मित्र देश जापान ने सात दशमलव सात करोड़ डॉलर दिया एशियाई विकास बैंक ने कंगाल पाकिस्तान को एक दशमलव पांच अरब डॉलर देने का वादा, है? का वादा किया तो, तो वहीं भारत के सबसे पक्के दोस्तों में से एक फ्रांस ने भी पाकिस्तान को चौंतीस दशमलव पांच करोड़ डॉलर देने का वादा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान अरब के सामने गिड़गिड़ाने का भी फल मिल गया है सऊदी अरब पाकिस्तान को पांच अरब डॉलर की मदद दे सकता है वैसे सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फ्रांस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुश्किल में फंसे पाकिस्तान की मदद कर सकते सब... हैं सबसे तो ज्यादा फ्रांस के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अक्टूबर 2020 से ही काफी हाँ ये कैसे कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद फ्रांस पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हो गया है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के कार्यकाल में फ्रांस के साथ रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे तो राष्ट्रपति इमानो को इस्लामोफोबिया को बढ़ाने वाला आदमी कहा था अब से। को भी बुला लिया था। ये मजबूरी है या फिर कुछ और असलियत जानने के बावजूद उसकी मदद कर रहे सबसे पहले लगता मेरे को शौक लगा है फ्रांस का सुन के मेरे ख्याल फ्रांस का सबसे ज्यादा था थर्टी फोर किसका किसका था फिर? नहीं, किस, जो, किसका जो था ज़्यादा फिर करोड़ों में दे रहा है फ्रांस तो जो अरबों में दे रहा है है वो अभी अरब करोड़ अरबों वाले तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया कह रहा था पांच अरब तक देगा मतलब तो वो बिलियन के करीब अच्छा और ये कितना हुआ और एक किसी भाई साहब ने दो बिलियन दिया है तो मतलब कुछ अरब वाले ज्यादा थे कम है अल्टीमेटली exactly, पता नहीं कितना पैसा आप तक है एक आध महीने का जुगाड़ हो गया कि पूरा हो गया सारा तो जुगाड़ अच्छा हो गया नहीं मतलब इजिली मैं कहूंगा दो महीने आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद हरेक का होप ये होता है कि इकोनमी को जनरेट करेगी तो आगे बढ़ते चले जाएंगे क्या होता है मगर दो महीने तो उनका जुगाड़ लग रहा हो गया हाँ पर पर ये जो फ्रांस और ये सब जो दे रहे ना आई एम श्योर sure इन्होंने कोई ऐसी डील की होगी कि कुछ ऐसा हुआ होगा क्योंकि फ्रांस के साथ जिस तरह के पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स हैं कोई बहुत मेजर डील करके कुछ किया होगा अब ये जब अब ये पैसे लेने के बाद अब अगर इन्होंने फ्रांस के खिलाफ या कुछ इस टाइप सी कोई स्टेटमेंट दी तो पता चलेगा कि कितनी मतलब ये जा सकते हैं डाउन कि पैसे लेने के लिए देर ऑल रेडी पर जब वैसे बात हो तो किस तरह से ये करते हैं वो पता चल जाएगा अगर तो रिलेशनशिप इन्होंने अब कुछ इस तरह से कुछ करके खराब की हैं exactly, एग्जैक्टली पता नहीं है मगर हर कंट्री ने कुछ तो देखिए अमीर कंट्रीज हैं वो उनके पास आप कह सकते हैं डोनेशन टाइप का कोटा रहता है टू बी फ्रैंक मतलब इस टाइप का चलो हम इतना दे, दे देंगे मगर बदले में जरूर कुछ ना कुछ ना तो ना है होती तो है। नहीं दिया होगा भाई और वो भी पाकिस्तान को किसी और कंट्री को तो मेरे को समझ जाती है और कि दे ये दे। जो है कि ये ये जो सब कुछ ऐसा भी नहीं है कि उधार हो मतलब हो सकता है सऊदी में उधार दिया मगर ये तो एड है कुछ लोगों ने तो वापिस नहीं देना पड़ेगा मुझे कुछ लोगों को तो कुछ कंट्री से तो मेरे ख्याल से उनको दे दिया ले लो कि तुम्हारा फ्लड आया मेरे वापस देना पड़ेगा नहीं तुम्हारा फ्लड, फ्लड वड आया है तो फ्लड का लॉस हो गया तो उसके लिए एड ले लो तो कुछ पार्ट तो ऐसा एड आया मतलब कभी वापस नहीं देना कौन कौन कंट्री और एड कुछ पार्ट आया, आया होगा कि उधार राइट और इसमें ये दिख रहा है कि फ्लड जो आया था उसके अगेंस्ट उन्होंने पैसा लिया है मगर फ्लड वाले विचारों को अनलाइकली है कि जाए कुछ मिलेगा वही ऐसा लगता नहीं है कि फ्लड वालों को जो मिलेगा सारा इसी में यूज जाएगा कि आप क्या क्या आपकी जरूरतें हैं वो आप जल्दी इनकी ले, ले ने खा लेना सारा मुझे लगता है बहुत कम बाकी बच्चे ले ले टी -टी -टी सब ले पे कंट्रोल और ये जो पॉलिटिशियंस है ये अपनी अपने अपने पास भी रखेंगे और थोड़ा जो उसको भी कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी है भाई जैसे बोल रहे थे कि ऑयल खत्म हो रहा है क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल आ जाएगा दूध वगैरह वगेरा आ रही है आटे की आ रही है दो महीने का काम कह रहे हो ना हो गया तो देखते दो, हैं दो महीने के का बाद क्या होकर उसके बाद इतना चला और लेंगे। तो पर अगर दो महीने इस पैसे से ये सिर्फ चीजें खरीद सकते हैं राइट ये इतना पैसा ही है कि ये आटा और ये क्रूड ऑयल ये सब मतलब थोड़े दो महीने चलाने के लिए इनको है पर इससे ये जो कर्जे लिए हुए हैं उनको तो वापस नहीं कर सकते इतना पैसा जो मर्जी यूज करो जहाँ भी उनको लग रहा होगा बहुत क्रिटिकल यूज करेंगे मगर देखिए उनकी इकोनॉमी टू थ्री तो मेरे ख्याल से इंक्रीज हो ही रही है तो अगर वो चलाते रहे अपनी इकॉनमी उससे टू थ्री परसेंट तो जनरेट होगा ही होगा और उनको अब ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो जो फॉरेन इंपोर्ट जो करने हैं वो सोच समझ के करें जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है वो तो ठीक है मगर इंपोर्ट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और जो उनकी कॉस्ट कटिंग चल रही है कि बिजली बंद कर दो वो तो मेरे ख्याल से चलती रहेगी Even after the money, हाँ 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 क्योंकि तो अगर वो रो अगर वो वापस उसी हिसाब से खर्चा करते हैं तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे तो मेरे ख्याल से उनकी दुकानें पुकाने तो मेरे ख्याल से साढ़े आठ बजे बंद हो जाएंगे सीटें बंद हो जाएगी वो तो मेरे को लगता नहीं होगा दो महीने के बाद क्या होगा तो उनका लाइफ स्टाइल जो है चेंज हो जाएगा मतलब बुरा हो जाएगा लाइफ स्टाइल कि आठ बजे बंद कर दो लाइटें बंद कर दो मतलब देखिए कोई भी कंट्री इतनी जल्दी से ऊपर नहीं उठ सकती है ये तो लॉन्ग टर्म की बात है आपके लॉन्ग टर्म क्या प्रोसेस है तो मतलब डामाडोली सिचुएशन रहेगी अभी आप यही है की दो तीन महीने का फिर वही सिचुएशन होगी तो अल्टीमेटली एक समय ऐसा होगा कि आगे कुछ नहीं हो पाएगा मांग लेंगे कुछ मेजर चेंज करें वी विल सी पर इन्होंने मांगा बहुत ज्यादा था ना कह रहे थे पता नहीं कितना मांग रहे हैं और मिस्टर इमरान खान थे वो तो पूरा ही ले गए थे डाउन वो तो अब वो ऐसे भी अब ये जब इलेक्शन होंगे तो चांसेस तो उन्हीं के हैं जीतने के तो देखते हैं अगर वो आते हैं पावर में तो क्या होता है फिर सारा कुछ खराब होएगा इनका चलो आप भी कमेंट सेक्शंस में अपनी व्यूज जरूर शेयर करना तो चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैंने इतना वो पता चला कि वो एड इतनी जोर से मारा दर्द होने लग गई है इतना मुझे गुस्सा है तो चलो चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए